लातूर से आए विधायक बाबा साहेब पाटिल, इन्होंने मुस्लिम आरक्षण, किसानों का कर्जा तथा वर्तमान राजकीय पैर पैतरे, इस पर बातचीत की। आइए देखते हैं कुछ अंश। लातूर से बाबा साहेब पाटिल इस समय में विधायक हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज मोर्चा जो बड़े पैमाने पर निकला है अपनी मांगों को सरकार को बताने के लिए, क्या आपको लगता है कि सरकार इनके मांगों को मान लेगा? बिल्कुल देना ही पड़ेगा। इनकी मांग सही है आरक्षण के बारे में, और अभी दूसरा एक प्रश्न सवाल हमारे सामने आया है, दूसरा एक कैब के बारे में। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाएगा, जब तक नहीं मान्य करेंगे हम, तो इनका आरक्षण की जो मांग है वो सही है। हमारी सरकार ने, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने ये मांग 5% आरक्षण की सिफारिश की थी, मगर आने ये सरकार ने सिफारिश को मान्य नहीं किया, लटका के रखा है। इनको जरूरी है आरक्षण देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा पढ़े वाले नहीं हैं। आरक्षण देने के बाद ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और अच्छा रहेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। सर, यदि सरकार आपकी जो मांग है उसको दरकिनार कर देती है तो क्या करोगे? नहीं, हम तो इनके साथ है, हम कानून के साथ है। अभी कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक हम इनके साथ ही हैं। तो लातूर से विधायक पाटिल, इनका यह मानना है कि सरकार बहुत जल्दी इनकी जो मांग है उनको पूरा करेंगी, इस तरह से इनके पूरा विश्वास इनको है। मगर देखना ये होगा कि अब तक की जो सरकारें थी, इससे पहले की जो सरकारें हैं, और देश आज़ाद होने को आज 70 से 73 साल का समय हो चुका है, मगर आज भी कुछ ऐसे समाज है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण देने में भी सब्सिडियाँ रहती है, आरक्षण देने में भी एक अलग अलग तरह के आरक्षण होते हैं, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, कोई भूखा सोता है, कोई भरपेट खाता है। आरक्षण हर किसी को एक समान मिलना चाहिए, आरक्षण आज सबको मिलना चाहिए, या आरक्षण पूरी तरह से बंद भी कर देना चाहिए, ऐसी बात भी ये आंदोलन में आए हुए कुछ लोगों ने कही है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मुस्लिम लोगों को जिस प्रकार से आरक्षण नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनके हर जो सरकारी जो ऑफिसर्स होते, जो कार्यालय होते हैं, या और भी जो कामकाज है, दिन ब दिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। भारत को जीत दिलाने में, इस देश को आज़ाद करने में सभी जाति धर्म पंथ के लोग थे, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी था, और उन्हें नज़रअंदाज करना, दरकिनार करना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ऐसी यहाँ की जनता चाहती है। इसलिए उन लोगों को भी न्याय मिले, ये भी शहर की जनता चाहती है। अधिवेशन शुरू है, शीतकालीन अधिवेशन शुरू है, देखना ये होगा कि जो महागठबंधन की जो सरकार बनी, जो नेता लोग हैं वो फिर से बात करते हैं, अमल करते हैं, या फिर ढाक के 3-5 जिसे उनका कार्य होता है, एक देखने वाली बात होगी। एक बात तो तय है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, इनबीसीएन न्यूज, नागपुर।